नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीरा डॉग। इट्स बीन मोर देन 7 डेज आई एम यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ, जो सैमसंग की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया एक स्मार्टफोन, जहां पर आपको मिलता है बजट सेगमेंट में डुअल रियर कैमरा। और ये सैमसंग का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा। सो आज मैं अपना 7 दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा ये सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ का प्रोस एंड कॉन्स। So that being said, let's get started. So दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद घंटी को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे मैं बताया, Samsung Galaxy J7 Duo रिसेंटली लॉन्च है Samsung की तरफ से, और यहाँ पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, विच इज वन ऑफ द यूएसपी और हाइलाइटिंग फीचर ऑफ दिस स्मार्टफोन। अगर प्राइस और अवेलेबिलिटी देखा जाए, यह आपका ओपन लोकल मार्केट में अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 17,990 रुपीज। मुझे लगता है प्राइस थोड़ा ज्यादा है, और वहां पर आपको मिलता है कुछ डिसेंट सा स्पेसिफिकेशन एंड डिसेंट सा ओवरऑल परफॉर्मेंस। इस डिवाइस में आपको मिलता है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले। जी हाँ, HD डिस्प्ले मिलता है, विच इज ए सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो ओवरऑल डिस्प्ले लुक्स प्रीटी गुड, उतना शार्प नहीं लगता बिकॉज ऑफ द HD रेजोल्यूशन। आइदर दैट व्यू एंगल, कलर रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज प्रीटी गुड, इवन टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो प्रीटी गुड। तो ओवरऑल डिस्प्ले में आप उतना डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अनदर थिंग इज दैट अगर आपको नहीं बताया जाता है कि ये एक HD डिस्प्ले है, तब आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली HD या फुल HD डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले डेफिनेटली pretty good, but Samsung के इस प्राइस में definitely full HD डिस्प्ले देना चाहिए था। तो ओवरऑल डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर। इस डिवाइस में आपको मिलता है प्रोसेसर विच इज ए सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर 7870 विच इज क्लॉक्ड एट 1.6 GHz, और इसके साथ आपको मिलता है 4 GB का RAM एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड, एंड दिस डिवाइस इज रनिंग ऑन एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स एंड लेटेस्ट सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0। तो चारों तरफ से आपको सभी लेटेस्ट चीजें मिलता है, जहां तक 4 GB का RAM मिलता है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, एंड्रॉइड ओरियो मिलता है, उसके साथ साथ सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9 का भी आपको अपडेट मिलता है। तो ये वाला पार्ट काफी अच्छा रखा है सैमसंग ने। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट विच कैन बी एक्सपेंड अप टू 256 GB वाया ए माइक्रो एसडी कार्ड। तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। तो एड ऑन आप एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा के भी अपना स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लुक्स प्रीटी स्मूथ ही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यूर अ गेमिंग लवर, दिस स्मार्टफोन इज क्वाइट लाइक ए पैराडाइज फॉर गेमर्स, बिकॉज इस डिवाइस में मैंने जो भी गेम खेला, game works pretty fine without any heating issue. In terms of the call quality and network reception, I haven't faced any kind of problem. So call quality and network reception is top notch. So definitely you won't be disappointed. यहाँ पर आपको मिलता है 30 megapixel rear camera and a secondary 5 megapixel camera with the aperture of f1.9, और फ्रंट पे आपको मिलता है 8 megapixel सेल्फी कैमरा, जहाँ पर आपको डुओ फ्लैश मिलता है, मतलब एक आपका है फिजिकल फ्लैश, दूसरा है आपका स्क्रीन फ्लैश। तो डेफिनेटली अगर आप अंधेरे में है तो ये बहुत हेल्प करेगा, और इसमें भी आपको मिलता है अपर्चर 1.9। जहां तक डुअल रियर कैमरा का सवाल है, दिस कैमरा कैन कैप्चर सम स्टनिंग शॉट। कैमरा परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफी बढ़िया है, बोके इफेक्ट्स कम्स आउट प्रीटी वेल। लेट्स चेक आउट सम बोके इफेक्ट फोटोज विच आई हैव कैप्चर्ड फ्रॉम दिस कैमरा। इन टर्म्स ऑफ द सेल्फी भी इस कैमरा में काफी बढ़िया आता है, 8 मेगापिक्सल है, हो सकता है ऑन पेपर आपको कम लगे, बट स्टिल दिस कैमरा कैन कैप्चर प्रीटी गुड फोटोज। इन टर्म्स ऑफ लाइक सेल्फी इज कंसर्न, यू कैन यूज द सेल्फी फोकस ऑल्सो, जहां पर आपको एक पोर्ट्रेट काइंड ऑफ ए मोड मिलता है। ऑल दो रियर कैमरा में जितना अच्छा आपको एजिंग मिलता है, यहां पर आपको उतना अच्छा एजिंग नहीं मिलेगा, बट स्टिल ये सेल्फी फोकस आपका इवन पिछले 2-3 फोन में मैंने देखा था, विच इज J7 Pro या फिर J7 Max, ऑन मैक्स, तो ये सब में ये वाला अपडेट दे दिया गया है। तो विच इज क्वाइट ए एड ऑन, बट दैट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। कुछ कुछ फोटो अच्छा आ जाए तो कुछ कुछ अच्छा नहीं आता है। तो ओवरऑल सेल्फी कैमरा इज गुड इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल कैमरा विदाउट एनी सेल्फी फोकस, एंड रियर कैमरा इज गुड, सिंगल लेंस एंड ड्यूअल लेंसेज बोथ आर गुड। अनदर गुड थिंग इज दैट अगर आप बोके इफेक्ट के साथ फोटो उठाते हैं रियर कैमरा से, यू कैन एडजस्ट द बोके, मतलब कितना आपको बोके चाहिए, कितना इंटेंसिटी चाहिए, वो आप बाद में फोटो उठाने के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, एंड विच ऑल्सो वर्क्स प्रीटी फाइन। रियली गाइस, यू कैन चेक आउट द फुल कैमरा रिव्यू विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड। रियर कैमरा बोके इफेक्ट इज प्रीटी गुड, आई रियली लव दैट। सो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड, यू ओन बी डिसअपॉइंटेड, बट द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इज द वीडियो रिकॉर्डिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोन में आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता एज वेल एज सैमसंग जनरली नहीं देता। उसके साथ साथ इफ यू टॉक अबाउट 4K रिकॉर्डिंग नॉट अवेलेबल, इफ यू टॉक अबाउट टाइम लैप्स और स्लो मोशन स्टिल इट इज नॉट अवेलेबल। तो ओनली फॉर आपको फुल एचडी मिलता है फ्रंट और रियर से और कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। एंड साउंड रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट विदाउट एनी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। तो अगर आप नॉइस की जगह पर साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये भी एक लू फॉल्ट है इस फोन का। तो प्रोस के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन भी बोल दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द सेकेंड जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगा विच इज द रिमूवेबल बैटरी, जो अभी काफी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रिमूवेबल बैटरी मिलता है विच इज 3000 mAh बैटरी, विच इज काफी पतला एक बैटरी है, अनबॉक्सिंग में देख सकते हैं। एंड विच विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 4 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। मतलब एक दिन आप चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता आराम से एक दिन चला पाएंगे कि नहीं, या फिर हो सकता है शाम को 6 या 7 बजे के आसपास हो सकता है आपके मोबाइल में खाली 10% बैटरी लेफ्ट है। तो बैटरी परफॉर्मेंस ओके है, एवरेज है, मैं उतना ज्यादा मतलब खुश नहीं हूं इनफैक्ट। नेक्स्ट इज दैट द फिंगरप्रिंट स्कैनर इज प्रीटी गुड इनफैक्ट ऑन दिस डिवाइस। मैं नहीं बोलूंगा बहुत फास्ट है, सैमसंग का इतना फास्ट नहीं मिलता इस बजट में, बट विच इज प्रीटी गुड इतना मैं बता सकता हूँ, विच इज क्वाइट एक्यूरेट और अच्छा है। फास्ट नहीं, एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, मतलब फिजिकली आपको बटन दबाना नहीं पड़ेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर इज गुड बट नॉट द फास्टेस्ट, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये कुछ कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा इस डिवाइस का, हालांकि उनमें से मैंने कुछ कॉन भी पता है, तो मैं आपको डायरेक्टली कॉन में आता हूँ। सबसे बड़ा जो कॉन मुझे इस डिवाइस का लगा, मुझे लगा वो है लाइक द बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल लुक एंड फील। मुझे लगता है कि ये 2007 का शायद कोई J7 का फोन है, सैमसंग गैलेक्सी J7, जिसको रिनोवेट करके थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करके मुझे आज हाथ में दे दिया गया। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक डिजाइन है, बैक कवर रिमूवेबल है विच इज गुड, क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल लुक एंड फील आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगा फोन को देख के। जैसे J7 Pro है, देखने में कितना बढ़िया लगता है, विच लुक्स गुड फील सॉलिड। इफ यू टॉक अबाउट J7 Max विच इज ऑल्सो प्रीटी गुड डिवाइस अंडर 15,000 rupees, तो सैमसंग का एटलीस्ट ये करना चाहिए था J7 Pro जो डिवाइस है उसको आप रिलॉन्च कर सकते थे सेम काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन चेंज करके, माइट बी सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन विद द डुअल कैमरा। वो 18,000 में हम लोग हजम कर पाते हैं, लेकिन ये 18,000 में आई थिंक हजम इनिशियली नहीं हो रहा है। उससे बेटर अगर आपको डुअल कैमरा नहीं चाहिए, आप सेम प्राइस में और अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस में J7 Pro ले लो, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। नेक्स्ट है, इस डिवाइस में आपको NFC नहीं मिलता, मतलब सैमसंग पे मिनी आपको मिलता है, सैमसंग पे नहीं मिलता जो J7 Pro में मिलता है। तो ये भी एक आपका लेट डाउन है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। एज आई सेड बैटरी परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट, सो इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड। आई थिंक थोड़ा अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ अगर कैमरा परफॉर्मेंस देखा जाए, एज आई सेड वीडियो क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट, और कोई भी स्टेबलाइजेशन है, 4K स्लो मोशन टाइमलेस नहीं है, तो और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है। सो दैट इज अ बिग कॉन इन टर्म्स ऑफ कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग एज कंसर्न। सबको पता है आज कैमरा कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के दिनों में, सो डेफिनेटली दैट सैमसंग नीड टू कीप देयर इन माइंड। बाकी अगर कॉन देखा जाए, जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा विच इज द प्राइस, आई थिंक मुझे लगता है ये फोन काफी ओवर प्राइस्ड है, विच इज 990 rupees which is approximately 18,000 rupees. It has to be less than 15,000 rupees, then definitely it could be a good deal. Although if the I think Samsung Galaxy J7 Pro is not available, or maybe Asus Zenfone Max Pro is not available, then definitely people might look for this device. But at the price of 18,000 rupees, definitely people will not willing to buy this device at that price, I think, because if they want to go for a Samsung device, definitely I would suggest Samsung go for Samsung Galaxy J7 Max. That would be a great device under 15,000 rupees, or maybe you can check out Samsung Galaxy J7 Pro, or maybe A7 2015 or A5 2017 or A5 2017. More or less you will get all these devices under 19 or maybe 18,000 rupees, kind of that, because prices are changing or decreasing day by day. So ये था आपका कंप्लीट पैकेज फ्रॉम माय साइड। डेफिनेटली दिस डिवाइस इज नॉट स्ट्रॉन्गली रेकमेंडेड फॉर यू, ऑल्दो इफ यू वांट ए प्रीटी गुड बोके फिट कैमरा इन सैमसंग रेंज, आपका बजट टाइट है, डेफिनेटली देन ओनली यू कैन चेक आउट दिस डिवाइस बिकॉज कैमरा इज रियली गुड। सो गाइस, अगर आपको ये वाले वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, उसके साथ साथ यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल वीडियो ऑफ दिस स्मार्टफोन लाइक अनबॉक्सिंग सेंसर्स एंड ऑल दैट ऑन माय चैनल। वन थिंग विच आई स्किप, दैट इज द सेंसर। इस डिवाइस में आपको ज्यादा सेंसर नहीं मिलता, ओनली 3 sensors मिलता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिवाइस विद ऑल काइंड ऑफ सेंसर, डेफिनेटली दिस डिवाइस इज नॉट फॉर यू। तो सेंसर भी नहीं है, तो ये भी कहो बहुत बड़ा कौन है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।